अंकिता अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। इतने में पूजा, राधा और पायल वहाँ आए। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल फैला हुआ था और एक टेबल पर बहुत सारी खाने की चीजें रखी हुई थी। दीदी वो देखो कितना सारा खाना। इतना सारा खाना तो मैंने कभी एक साथ नहीं देखा। चलना दीदी कुछ खाते हैं, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है हमने। लेकिन ये लोग हमें खाने नहीं देंगे, ये लोग अमीर हैं और हम गरीब और अनाथ। तो क्या हम इंसान नहीं हैं? मुझे खाना ही है। ये बोलकर पायल ने टेबल से खाना उठा लिया और खाने लगी और अंकिता ने ये देख लिया। वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने पायल के मुंह से खाना छीन लिया और उसके बाद उसने पायल को जोर से एक थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती भिखारियों, खाना चुराते हो? सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ। पुलिस का नाम सुनकर तीनों डर गए क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस इन अमीरों का खरीदा हुआ पुतला है। अंकिता की वजह से ही आज पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वो कांड छिपाने में पुलिस इनकी मदद भी कर रही है। असल में पूजा, राधा और पायल तीनों बहनें हैं। पायल सबसे छोटी है, उसने अभी सिर्फ चलना और बात करना सीखा है। उनका घर गाँव में था। उनके पिता का नाम बिरजू और माँ का नाम सरला था। एक दिन बिरजू ने सरला से कहा, सरला यहाँ गाँव में तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, हर रोज पानी पीकर ही सोना पड़ रहा है। हाँ जी, हम दोनों तो खाली पेट रह भी लेंगे, लेकिन इन तीनों बच्चियों का क्या, इन्हें तो हमें खाना खिलाना ही होगा। इसीलिए सोच रहा था कि शहर चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। सरला को ये बात पसंद आई। अगले ही दिन वो दोनों अपनी तीनों बेटियों को लेकर पैदल चलते हुए शहर की ओर निकल पड़े। तब पायल का सिर्फ जन्म हुआ था, वो नवजात थी, इसीलिए उसे गोद में लेकर सरला पैदल चलने लगी। दूर ट्रेन देखकर पूजा ने कहा, बापू वो ट्रेन भी तो शहर जा रही है, हम उसमें क्यों नहीं जा रहे? हमारे पास खाने के पैसे नहीं है बेटा, ट्रेन के टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हम गरीब हैं? हाँ बेटा, हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। सरला की आंखों में नमी छा गई। वो लोग बिना खाए बिना सोए बस चलते रहे। उधर शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर सिंघानिया की इकलौती बेटी अंकिता ने कॉलेज में टॉप किया। अपने पिता के कॉलेज में तो कोई भी टॉप कर सकता है, लेकिन अंकिता को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो बहुत ही घमंडी थी। कॉलेज में टॉप करने के कारण मिस्टर सिंघानिया ने अपनी इकलौती बेटी के लिए 1 करोड़ की एक गाड़ी खरीद ली। बेटी ये गिफ्ट तेरे लिए है, तूने कॉलेज टॉप करके हमारा नाम रोशन किया है। अंकिता ने सिंघानिया को गले लगा लिया। वाओ पापा, बेस्ट हो, आई लव यू पापा। लेकिन तब अंकिता को भी नहीं पता था कि आगे चलकर यही गाड़ी उसकी जिंदगी में एक श्राप बन जाएगी। वो बहुत खुश थी, उस गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने जा रही थी। वो कहते हैं ना कि अमीरों के शौक कभी पूरे नहीं होते। गाड़ी से अंकिता का मन नहीं भरा, उसने एक नया शौक पाल लिया, कुत्ता पालने का। उसने दो बड़े बड़े विलायती कुत्ते पाल लिए, एक का नाम टॉमी और एक का नाम तोजो। दोनों ही बड़े खूंखार थे, किसी भी नए इंसान को देखते ही वो दोनों उसे काटने के लिए दौड़ लगाते थे और अंकिता इसी के मजे लेती थी। बड़ा मजा आ रहा है। इसी बात से घर के नौकर परेशान हो गए और कईयों ने तो नौकरी ही छोड़ दी। जान है तो जहान है, यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो मेरा नाम ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे ही ज्यादातर नौकर भाग गए, इसीलिए मिस्टर सिंघानिया नए नौकर ढूंढने लगे और तभी शहर में बिरजू और सरला चले आए। वे दोनों अपनी तीनों बेटियों को लेकर फुटपाथ में ही रहने लगे और काम की तलाश करने लगे। ऐसे ही वो दोनों मिस्टर सिंघानिया के घर चले गए। सिंघानिया साहब ने कहा, मेरे यहाँ तुम दोनों के लिए काम तो है, लेकिन तुम दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट में उंगली का छाप देना होगा कि तुम दोनों 3 साल से पहले ये काम नहीं छोड़ सकते। उन दोनों को काम की जरूरत थी। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और कॉन्ट्रैक्ट पर उंगली छाप दी और सिंघानिया ने उन दोनों को अपनी बेटी अंकिता को सौंप दिया। अच्छा तो तुम दोनों हो नए नौकर? हाँ मालकिन, हम दोनों को क्या काम करना होगा? वो दो कुत्ते देख रहे हो, उन दोनों का ध्यान रखना होगा। कुत्ते को देखकर सरला डर गई। अरे बाप रे, ये कुत्ते तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। याद रखना 3 साल यहीं काम करना होगा, उससे पहले काम छोड़ दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। बिरजू और सरला डर के मारे काम पर लग गए। सरला कुत्तों को खाना खिलाने के लिए गई और एक कुत्ते ने उसके हाथ में काट लिया, उसके हाथ से खून निकलने लगा। आह अरे बाप रे, काट लिया मुझे, काट लिया। ये देखकर अंकिता हंसने लगी। ऐसे ही दोनों का पहला दिन बीत गया। पहले दिन काम करने के बाद दोनों को पैसे मिले, उन पैसों से उन्होंने खाना खरीदा, पायल के लिए दूध खरीदा। इतने दिनों बाद खाना खाकर सभी बहुत खुश हुए। सरला अपने हाथ के घाव के बारे में भूल गई।
और उसके बाद वो लोग फुटपाथ में ही सो गए। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया। ए, तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते, भागो यहाँ से, भागो। क्या हुआ साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ रहना है तो मुझे हर रोज 100 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। 100 रुपए? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? पैसे ना देने पर वो पुलिस वाला उन्हें मारने लगा। ऐसे वो लोग हर रोज मार खाते रहे और दिन में काम पर कुत्ते के डर में जीने लगे। कभी वो कुत्ते बिरजू और सरला को भगाते तो कभी नोच लेते, लेकिन वो दोनों कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही एक साल बीत गया, वो पुलिस वाला हर रोज 100 रुपए लेने लगा। ऐसे ही एक दिन वो 100 रुपए ले ही रहा था कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लेडी IAS ऑफिसर बाहर निकली। उनका नाम संघमित्रा है। क्या चल रहा है ये सब? बिरजू ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर संघमित्रा ने उस पुलिस वाले को जोर से एक थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आते इन बेसहारा लोगों से रिश्वत लेते हुए? थप्पड़ खाकर वो पुलिस वाला सुधर गया। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, कोई परेशान करे तो मेरे पास आना, मेरा ऑफिस पास में ही है। बिरजू ने सोचा कि मुसीबत टल गई। ये सोचकर वो लोग फुटपाथ में निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो असली मुसीबत आने वाली है। उसी रात अंकिता अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी लिया और गाड़ी ड्राइव करते हुए घर जा रही थी। बिरजू अपने परिवार के साथ जहाँ सो रहा था, अंकिता वहाँ पहुंची और तभी उससे गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। बिरजू और सरला उस गाड़ी के नीचे दब गए और उन दोनों का देहांत हो गया। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये बोलकर अंकिता जोर से गाड़ी चलाकर वहां से भाग गई। माँ बापू, आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो? माँ बापू, बात करो ना, बात करो ना। तीनों रोने लगे, लेकिन रोने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। अगले दिन रास्तों के लोगों ने मिलकर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर अंकिता ने उसके पिता को सब कुछ बताया। तो चिंता मत कर बेटी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सिंघानिया ने पुलिस को कॉल किया। ये केस दब जाना चाहिए, उसके लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। उधर पूजा, राधा और पायल पुलिस के पास गए और सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने केस नहीं लिया। उल्टा पुलिस उन लोगों को ही धमकाने लगे। जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुम तीनों को ही अंदर कर दूंगा, भाग। वो तीनों भाग गए। इस दुनिया में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है, अभी भी नहीं मिलेगा। वो तीनों बस भटकते रहे, किसी ने उनको खाना नहीं दिया। एक हफ्ता बीत गया, उन तीनों ने खाने का एक टुकड़ा भी नहीं खाया और ऐसे ही होली का दिन आ गया। अंकिता ने अपने घर में होली की पार्टी रखी थी, बहुत सारे दोस्त आए, बहुत खाने का इंतजाम किया गया और उसी पार्टी में पूजा, राधा और पायल घुस गए और खाने की कोशिश की और अंकिता ने पायल को थप्पड़ मारा और उसने पुलिस को बुला लिया, उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। वो तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उन तीनों को। पुलिस भी उनके पीछे दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते तीनों बच्चियां रास्ते पर आ गई और एक गाड़ी से टकरा गई। पूजा गिर गई, उसके सिर से खून निकलने लगा। पुलिस आकर वहीं पर रुक गई क्योंकि गाड़ी से निकली IAS संघमित्रा। ये क्या बेटी, तुम तीनों दौड़ क्यों रहे थे? ये तीनों चोर है मैडम, चोरी करके भाग रहे थे। चोरी? अरे तुम तीनों वही हो ना, फुटपाथ में उस दिन सोए हुए थे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, मुझे सब कुछ बताओ। हमने चोरी नहीं की है मैडम, तीनों ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर IAS संघमित्रा गुस्से में आग बबूला हो गई। पैसों के दम पर ये अमीर लोग अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। संघमित्रा ने IAS होने का फायदा उठाकर पावर का इस्तेमाल किया और अंकिता को अरेस्ट कर लिया। मिस्टर सिंघानिया को भी जेल में कैद कर लिया गया और संघमित्रा ने उन पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया और इसके बाद उन्होंने इन बच्चियों को पेट भरकर खाना खिलाया और सभी ने मिलकर साथ में होली भी मनाई। तीनों को उनमें माँ की ममता दिखी और संघमित्रा ने तीनों को गोद ले लिया। उसके बाद वो तीनों संघमित्रा के पास ही रहने लगे, पढ़ाई करने लगे और एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। अंजलि रो पड़ी क्योंकि उसकी नवजात बेटी को एक शेर उठाकर ले जा रहा है। अंजलि और उसकी बड़ी बेटी पूजा शेर के पीछे दौड़ने लगे। जंगल की इतनी गहराई में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इंसानों से अंजलि का भरोसा कब का उठ चुका है क्योंकि अंजलि के पति ने उसे धोखा दिया है। अंजलि की शादी रमेश के साथ हुई थी। रमेश एक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अंजलि के पिता से बहुत सारा पैसा दहेज में लिया था, लेकिन उसकी मांग खत्म ही नहीं हो रही थी।
ए अंजलि, मुझे अभी के अभी 2 लाख चाहिए। तेरे बाप को बोल अभी पैसे भेजे। पिताजी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये सुनने के बाद रमेश ने अंजलि को मारा। रमेश ऐसा ही करता था, हमेशा अंजलि पर हाथ उठाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी भी है जिसका नाम पूजा है। रमेश पूजा के सामने ही अंजलि को मारता था। मार खाकर अंजलि जब चुपके से रोती थी तब पूजा उसके आंसू पोंछ देती थी। रो मत माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंजलि के नसीब में कुछ और ही लिखा था। उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होना था। अंजलि फिर से गर्भवती हो गई। उसने सोचा कि अब रमेश बदल जाएगा। इसी उम्मीद में वो जीती रही। उस तरफ जंगल में बड़ी हलचल मची हुई है। जंगल में एक शेर और उसकी बीवी शेरनी रहते हैं। सुनो, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया। हाँ, मैं भी खरगोश और हिरण खा खा कर थक गई हूँ। लगता है मुझे शहर जाकर किसी को फंसाना पड़ेगा। ये बोलकर शेरनी ने एक खूबसूरत औरत का रूप ले लिया। असल में ये शेरनी इच्छाधारी है। बहुत दिन पहले एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे, तब शेरनी ने उस साधु पर हमला किया। साधु का ध्यान टूट गया। साधु के पास जादुई शक्तियाँ थी, इसीलिए शेरनी साधु को काबू नहीं कर सकी। साधु गुस्सा हो गए। दुष्ट शेरनी, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू आज से केवल शेरनी नहीं रहेगी, तू आज ही इंसान बन जाएगी। लेकिन साधु के श्राप का असर कुछ उल्टा ही हो गया। वो शेरनी इच्छाधारी बन गई। वो जब चाहे इंसान और जब चाहे शेरनी में बदलना सीख गई। और इसी का इस्तेमाल करके वो एक के बाद एक इंसानों को फंसाकर जंगल लाती रही और शेर के साथ मिलकर उन लोगों का मांस खाती रही। इस तरह दोनों आदमखोर बन गए। आज भी शेरनी एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर जंगल से बाहर चली गई। और भाग्य का खेल तो देखो, रमेश ने ही उसे देख लिया। अरे बाप रे, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने यहाँ कहीं नहीं देखी। इससे बात करना पड़ेगा। रमेश इच्छाधारी शेरनी के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ा। रमेश को देखकर शेरनी भी हंसती और दोनों की मुलाकात हो गई। रमेश इच्छाधारी शेरनी की असलियत जाने बिना ही उससे प्यार कर बैठा। तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके बाद मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें सुनना होगा। जहाँ जाने के लिए कहूंगी वहाँ जाना होगा। अरे जो तुम बोलो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये सुनकर शेरनी ने अपने ही मन में कहा, हाँ बेवकूफ, तेरी जान ही तो चाहिए मुझे। रमेश ने इच्छाधारी शेरनी के साथ शादी कर ली और उसे लेकर घर पहुँच गया। अंजलि चौंक गई। ये क्या, मैंने सोचा था कि आप चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो मुझे धोखा कभी नहीं देंगे और आज। चुप रह, निकल जा यहाँ से और अपनी बेटी को भी लेके निकल जा, मुझे और तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल। ये बोलकर रमेश ने अंजलि को निकाल दिया। पूजा भी अंजलि के साथ रोती हुई निकल गई। अंजलि भी रोती रही। आखिर इस हालत में मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अंजलि ने शहर में कई लोगों के पास रहने की जगह मांगी, लेकिन किसी ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। गंदी औरत, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपने पाप लेकर, भाग जा यहाँ से, तेरी तो शक्ल देखना भी पाप है। अंजलि को रहने की जगह नहीं मिली तब पूजा ने कहा, माँ ये शहर हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, चलिए जंगल में चले जाते हैं। दोनों जंगल में चले गए और बांस का घर बनाकर रहने लगे। पूजा जंगल के बीच खाने के लिए फल और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढती रही। और तभी उसके साथ एक हिरण की मुलाकात हुई। तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा? हम यहाँ पर नए आए हैं, कल ही आए हैं। इंसान होकर जंगल में रह रही हो, क्यों? तब पूजा ने हिरण को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर हिरण के आंखों से आंसू आ गए। बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की, यहाँ तुम लोग रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये बोलकर हिरण ने जंगल के बाकी अच्छे जानवरों को बुलाया। खरगोश, हिरण, कछुए, घोड़े, हाथी, भालू सभी पूजा और अंजलि के दोस्त बन गए। अंजलि हर रोज सभी के लिए खाना बनाती रही। वाह, ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है अंजलि दीदी। तुम लोग मजे से खाओ, मैं और भी बनाती हूँ। इस तरह उन लोगों के दिन बीतते रहे। पूजा उन लोगों के साथ खेलती रही। उधर रमेश ने भी कुछ दिन उस इच्छाधारी शेरनी के साथ मजे से बिता दिया।
शेरनी भी अपनी असलियत छुपाकर रमेश के साथ दिन बिताती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन रात को जंगल में अंजलि को पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आह आह। क्या हुआ, क्या हुआ माँ? तभी वहाँ पर हिरण चला आया और कहा, अंजलि दीदी की डिलीवरी होने वाली है, सब लोग यहाँ आओ। हिरण ने सबको बुलाया, सब लोग आ गए। हाथी ने कुछ केले के पेड़ लाए, उनसे नरम बिस्तर सजाया गया, उस पर अंजलि को सुलाया गया। सब लोग अंजलि को घेर कर बैठे रहे। अंजलि दर्द से तड़पती रही, भालू उसके सर पर हाथ फेरता रहा और आखिरकार देर रात को अंजलि की एक बेटी पैदा हुई। देखो सब लोग, जंगल में नया मेहमान आया है, हमारी बहन आई है, खुशियाँ मनाओ। पूरा जंगल खुशियों से झूम उठा, सब लोग नाचते रहे। पूजा भी सारे जानवरों के साथ खुशी मनाती रही। अंजलि अपना सारा दुख और दर्द भूल गई। तभी जंगल के उस आदमखोर शेर को पता चल गया कि जंगल में एक नवजात बच्ची हुई है। अच्छा, तो जंगल में एक छोटी सी बच्ची आई है। नवजात बच्चों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं उसे आज ही खत्म कर दूंगा। खुशियाँ मनाकर सब लोग सो गए और दोपहर को वो शेर चुपके से घर के अंदर घुस गया और अंजलि की बाहों से उसकी नवजात बेटी को उठा लिया। तभी अंजलि की नींद खुल गई। शेर, शेर, बचाओ बचाओ, शेर मेरी बच्ची को उठाकर ले जा रहा है, बचाओ। वो शेर बच्ची को मुंह में लेकर भागता रहा। बच्ची रोती रही, उसके पीछे अंजलि और पूजा भी भागने लगे। बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बहन को कोई बचाओ, कहाँ हो सब लोग? ये पुकार सुनकर हिरण और बाकी सारे जानवरों की नींद खुल गई और सब लोग वहाँ गए। शेर को बच्ची दबोच कर भागते हुए देखकर सब लोगों ने शेर को चारों तरफ से घेर लिया। बदमाश शेर, हमारी बहन को छोड़ दे। इंसान की बेटी तुम लोगों की बहन कैसे हो गई? वो तुम जैसा दुष्ट शेर कभी समझ नहीं पाएगा, छोड़ दे, नहीं तो यहीं तुझे कुचल दूंगा। वो शेर डर के मारे उस बच्ची को छोड़कर भाग गया। अंजलि को उसकी बेटी मिल गई। तुम लोगों को मैं कैसे धन्यवाद दूं? हम लोग तुम्हारा परिवार है अंजलि दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। उस तरफ शहर में शेरनी ने रमेश से कहा, रमेश शादी के बाद से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में क्यों? क्योंकि मुझे जंगल बहुत पसंद है, चलो ना। रमेश प्यार में अंधा था। शेरनी के कहने पर अगले ही दिन वो शेरनी को लेकर जंगल पहुंच गया और तभी उसके सामने वो शेर आ गया। आओ इंसान, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे अरे, ये क्या, ये शेर कहाँ से आ गया? बचाओ बचाओ। तब वो इच्छाधारी शेरनी भी औरत से शेरनी में बदल गई। अब हम तुझे खा जाएंगे। रमेश को अब सब कुछ समझ में आ गया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, उसके पीछे वो शेर और शेरनी भागते रहे। बचाओ बचाओ बचाओ। दौड़ते दौड़ते रमेश को एक बांस का घर दिखा और रमेश उस घर में घुस गया और वो चौंक गया। उसने देखा अंजलि और पूजा बैठे हुए हैं। अंजलि की गोद में उसकी नवजात बेटी है। रमेश ने अंजलि से विनती की, मेरी जान बचा लो अंजलि, वो शेर और शेरनी मुझे मार डालेंगे, मैं तुम्हारा पति हूँ। तू एक अच्छा इंसान ही नहीं है, तू मेरा पति क्या बनेगा, भाग यहाँ से। अंजलि ने रमेश को भगा दिया। रमेश जंगल में झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर छुपे रहने के बाद उसे भूख लगी तो उसने झाड़ियों में उगे हुए फल खा लिए, लेकिन वो जहरीले फल थे। रमेश का देहांत हो गया क्योंकि उसके शरीर में जहर खुल गया। उसके बाद उस शेर और शेरनी को रमेश की बॉडी मिली और दोनों मजे से उसको खाने लगे, लेकिन उसे खाने से शेर और शेरनी के शरीर में भी जहर फैल गया और दोनों मर गए। जंगल में खुशियों की बौछार आ गई, सभी खुशियां मनाने लगे। अब उन लोगों को परेशान करने वाले शेर और शेरनी मर गए हैं। अंजलि भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगी। जंगल के जानवर ही उसका परिवार बन गए।
उसको समझ में आ गया कि इंसान से ज्यादा इंसानियत तो जंगल के जानवरों में है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।